And today I'll discuss about transformer. So first of all, what is transformer? So transformer is a machine or device that can transfer voltage, like increasing or decreasing. तो यदि increasing मतलब एक हम यदि transformer बनाए जो क्या करता है voltage को increase कर रहा है, then that one transformer is the step up transformer. यदि वो increase करता है voltage को तो वैसे transformer को हम लोग बोलते हैं step up transformer. और यदि वो एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाए जो वो वोल्टेज क्या करता है मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है उसको डिक्रीज कर दे, तो दैट वन ट्रांसफार्मर इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. सो यू सो वी कैन से देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर. फर्स्ट वन इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड अदर वन इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो स्टेप अप में क्या होता है वोल्टेज को कम से ज़्यादा करता है और इसमें और एक होता है कि ज़्यादा से कम करता है. तो ज़्यादा से कम कर रहा है मतलब डाउन कर रहा हो तो दैट वन इज़ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और यदि कम से ज़्यादा कर रहा है मतलब वोल्टेज को अप कर रहा है बढ़ा रहा है तो दैट वन ट्रांसफार्मर इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर. सो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर. नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. तो ये ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उस चीज़ को जानना है. तो ये प्रिंसिपल जो है इसका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल. दिस वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और यहाँ पे जो वर्क करता है वो है म्यूचुअल इंडक्शन पे. तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि क्या होता है इसमें कि हम लोग इंड्यूस्ड करंट डेवलप करते हैं. तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन, जैसे हम लोग सेल्फ इंडक्शन भी पढ़ चुके हैं म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ चुके हैं. तो सेल्फ सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि वहाँ पे सिंगल कॉइल होता है, बट यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है दो कॉइल होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो कि पहला कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकल के दूसरा कॉइल में लिंक होता है. तो हमको इसमें क्या करना पड़ता है कि एक में इनपुट करंट देना पड़ता है, दूसरे में हमको करंट देने की जरूरत नहीं होती है और वहाँ पर इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है. तो ये काम है म्यूचुअल इंडक्शन का, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब बात करते हैं हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन पे. तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है. इसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, कुछ इस टाइप का प्लेट होता है, इस टाइप का प्लेट, और इस टाइप के प्लेट को बहुत सारा प्लेट को एक दूसरे पे ओवरलेप करके कुछ इस तरह का ट्रांसफार्मर बनाया जाता है कुछ इस तरीके का, जिसमें फिर नट बोल्ट से हम कुछ इस तरीके से उसको कस देते हैं. तो सारा प्लेट वाइज होता है और बीच में उसका होल होता है लाइक दिस, इस तरीके से होल होता है. तो क्या करते हैं इसमें तार को इस तरीके से वाउंड किया जाता है, इस तरीके से इसमें वाउंड किया जाता है तार लाइक दिस. यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके से वाउंड किया जाता है. तो यहाँ पे वायर को मतलब कॉइल, इधर का कॉइल एक हो गया फर्स्ट वन कॉइल, दिस वन इज द प्राइमरी कॉइल, और इधर एक कॉइल बना रहे हैं दिस वन इज द सेकेंडरी कॉइल. तो इसमें हम करंट देंगे तो दिस वन इज द इनपुट और इधर से हमको क्या लेना है आउटपुट, ठीक है. तो ये कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है. इसमें क्या क्या लेना होता है सॉफ्ट आयरन कोर. ये आयरन का सॉफ्ट आयरन कोर का ही क्यों लेते हैं, मतलब सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लेते हैं, इसका मेन रीज़न है बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो क्या करता है कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से डेवलप होगा सभी मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या कर लेगा ऑब्जॉर्व कर लेगा, सभी मैग्नेटिक फील्ड को ये पास करेगा दूसरे कॉइल में. और वही चीज़ जब मैं डायमैग्नेटिक लेता तो डायमैग्नेटिक तो अपोज करता है, और पैरामैग्नेटिक लेते हैं तो वो सब फील्ड लाइन को लिंक नहीं कर पाता है. तो ये प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कि ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मतलब डायरेक्शन दे देगा और ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को इसमें क्या कर देगा लिंक कर देगा. तो दैट इज़ द रीज़न. तो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लिया जाता है सॉफ्ट आयरन कोर. अब मैं बात करता हूँ इसका कि आखिर हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज़ क्यों करते हैं, क्या ट्रांसफार्मर स्टेप ऑन स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है ये तो आपको समझ में आ गया कि वोल्टेज को कम और ज़्यादा करते हैं. बट इसका एक्चुअल में मतलब यदि मैं पावर हाउस से बात करूँ कि पावर हाउस में तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसका क्या कारण है कि ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न अबाउट द ट्रांसफार्मर. तो इसके पीछे का रीज़न यदि समझना चाहते हो तो यहाँ पर समझो, हम लोग जानते हैं कि रिवर पे डैम बनाया जाता है, रिवर पे डैम बनाया जाता है जहाँ से हम लोग को क्या डेवलप करना करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करते हैं. और ये मतलब रिवर से वाटर मतलब वहाँ से डैम से टरबाइन पे पहले पानी गिराया जाता है टरबाइन पे, और टरबाइन को जनरेटर में कनेक्ट किया जाता है जनरेटर में, और वहाँ से हमारा क्या मिलता है इलेक्ट्रिक करंट ये चीज़. और इस इलेक्ट्रिक करंट को मतलब इस करंट को हमको सेंड करना होता है एक सिटी से दूसरे सिटी तक सेंड करना होता है, या फिर एक शहर से दूसरे शहर तक में मतलब क्या बोलते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक में भी ट्रांसफ़र होता है हमारा. तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसके लिए हमको बहुत लॉन्ग रेंज का मतलब बहुत लंबा वायर लेना पड़ता है, बहुत बड़ा आप पोल में देखे होंगे, बहुत पोल में बहुत लंबा लंबा तार मतलब तार लगा होता है. तो समझो कि मान लो हमको
500 किलोमीटर तक हमको इसको सेंड करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दूर तक तार हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और कंडीशन यहाँ पे ये यह है कि तार जो है, तार में क्या होता है, मान लो कोई कंडक्टर है तो 100% के पास क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। तो क्या करेगा कि मान लो यहाँ से हम कोई पावर हाउस है, वो 1000 1000 वाट पावर वहाँ पे जनरेट कर रहा है, 1000 वाट पावर वहाँ से क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है। यदि इसको हम जूल में बात करें तो जूल में हो जाएगा कितना, 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड मतलब वर्क डन पर, अपन वर्क डन पर यूनिट टाइम इज द वाट है ना, पावर, जूल पर सेकेंड इज द पावर, तो कुछ इतना ना, तो पर सेकेंड आपका 1000 जूल पर सेकेंड ये यहाँ से डेवलप कर रहा है, जिसको पावर में देखें तो 1000 वाट इतना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये क्या कर रहा है, पावर को जनरेट कर रहा है ये वो पावर हाउस से। तो यहाँ पे देखा गया इसको मतलब एक्सपेरिमेंट करके कि मान लो तीन कंपनी यहाँ पे ले लो, ए बी सी, टोटल थ्री कंपनीज हैं, हम इसको समझने के लिए है फॉर कन्वीनियंस, तो इसको समझते हैं हम लोग कि यदि मैं यहाँ से इस पॉइंट से मतलब इस वायर में हम करंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, तो 1000 वाट यहाँ से करंट डेवलप हो रहा है मेरा, 1000 वाट। आखिर ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ है उसके बारे में यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तीन कंपनी तीन तरीके से वहाँ से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो एक्चुअली यदि हम बात करें कि यहाँ से करंट इस पावर हाउस से इस जगह पे आ रहा है, मेरा घर तक आ रहा है, और मेरे घर के पास एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्चुअली क्या होता है कि मान लो 1000 वाट का पावर इस ट्रांसफार्मर तक, यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग 1000 वाट का पावर नहीं लेते हैं, हम लोग कम करके लेते हैं डोमेस्टिक के लिए। तो एक्चुअली क्या यहाँ पावर हाउस से यदि 1000 वाट निकला है तो क्या 100% 1000 वाट यहाँ पे करंट आएगा, और यदि आता है तो 100% एफिशिएंट है, वो 100% एफिशिएंट होगा। और यदि नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, या तो फिर ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट है। तो वही तीन कंपनी यहाँ से करंट को मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र कर रही है, तो देखते हैं कि कौन कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब कौन ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से भेज सकता है। तो पावर की बात मैं करूँ तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो यहाँ पे यदि मैं ए की बात करूँ, कंपनी ए उसकी बात करूँ, तो ये जो है कुछ 1000 वाट को कुछ इस तरीके से सेंड कर रहा है, भी मतलब वोल्टेज और ये करंट। तो ये हमको यहाँ से देखो कितना वोल्टेज और करंट जो दोनों इसमें यदि बात करूँ तो ये हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से सेंड कर रहा है, 5 × 2 मतलब 2 एम्पियर करंट है, और वोल्टेज को ये ज़्यादा करके भेज रहा है, ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट रखा है, इसका ये तरीका है। सेकेंड वन बी का तरीका जो है वो ए भी इसी फॉर्मूले से जाएगा, ये रखा है 250 वोल्टेज और 4 एम्पियर करंट रखा है कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट वन पी सी जो है वी मतलब थर्ड कंपनी, वो रखा है 100 वोल्ट मतलब वोल्टेज जो है 100 रखा, और करंट को रखा है 10 10 एम्पियर कुछ इस तरीके से। तो कौन ज़्यादा बेटर होगा उस चीज़ को यहाँ पे समझना है, कौन कंपनी सबसे बेटर है, कौन कंपनी कम पावर लॉस करके हमको करंट सेंड कर रही है। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मानते हैं कि इसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, ये वायर जो इसमें लगा हुआ है उसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, मतलब हमारे घर तक आते आते उसका 10 ओम मतलब उस वायर का रेसिस्टेंस 10 ओम है। तो अब हमको देखना है कि कितना इस पावर हाउस से इस पॉइंट तक आने में कितना पावर लॉस हो रहा है। तो पावर लॉस को यदि पता करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले देख लो कंडीशन ए के लिए क्या लिख दिए, 500 × 2, इसके लिए क्या है 250 × 2 4, और इसका है 100 × 10 दिस वन, मतलब 10 करेंट है या 100 वोल्टेज है। तो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे पावर लॉस का, यदि मैं पावर लॉस को देखूँ कि कितना पावर कौन किसका लॉस हो रहा है, पावर लॉस तो पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला जानते हैं पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, इससे पता चलेगा कि कितना हमारा यहाँ पे पावर लॉस हो रहा है। तो यदि मैं ए की बात करूँ, ए का, तो ए का देखो कितना करेंट है इसके पास, 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर मतलब यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा, इंटू आर हमारा कितना है इसका 10, तो 10 हो गया, कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 × 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 40, 40 ये क्या चीज़ आ गया 40 वाट, 40 वाट इसका पावर लॉस हो रहा है। मतलब रेस्ट कितना बचा, मतलब 1000 वाट में 1000 वाट वहाँ से सेंड कर रहा है, इसका 40 वाट लॉस हो गया, 40 वाट लॉस हो गया, तो 40000 में इतना कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा हमारा 960 वाट, मतलब 960 वाट आपके घर तक पहुंच रहा है पावर, इतना लॉस हो जा रहा है ड्यू टू रेसिस्टेंस। जब ऐसे कंडीशन में वोल्टेज को ये इतना 500 रखा तब ए कंपनी, और दूसरी कंपनी की मैं बात करूँ बी कंपनी, बी वाले का, तो बी वाला का हो जाएगा स्क्वायर आर फॉर्मूला वही वाला, करंट इसका है 4 एम्पियर,
तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस कितना 10, मतलब ये हो जाएगा 416 इंटू 10, मतलब ये 160 वाट को लॉस कर रहा है। यहाँ पे 160 वाट पावर लॉस हो रहा है, मतलब ये जो हमको सेंड करेगा रेस्ट रेस्ट करंट जो वहाँ से हमारे पास जो मिलने वाला है वो मिलेगा 1000 माइनस 160, मतलब कितना मिल जाएगा 840 वाट हमको मिलने वाला है पावर ये सेकेंड। और थर्ड वन की बात मैं करूँ तो इसका देखो आई स्क्वायर आर, और इसका आई कितना है 10 स्क्वायर इंटू आर, हमारा कितना है 10, तो ये मिला 100 इंटू 10, हमको मिल गया 1000 वाट, मतलब इसका पूरा लॉस हो जा रहा है करंट, इसका मतलब पूरा लॉस हो जाएगा, हमारे पास जीरो करंट मिलेगा, मतलब जीरो पावर मिलेगा जा करके। तो बेस्ट कंपनी इसमें यदि कोई है, यदि इसका कंडीशन है, तो यहाँ पे ए कंपनी का है, ये जो ट्रांसफ़र कर रही है यहाँ से करंट, उसका जो पावर है वो कम लॉस हो रहा है, यहाँ से हमको पता चल रहा है, मतलब इसका ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन जो है वो बेटर है, क्योंकि इसका जो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना, तो ये वोल्टेज को बढ़ा के रखा है, इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और इसका वोल्टेज कम है, फिर इसका वोल्टेज बहुत कम है, तो इसका पावर पूरा लॉस हो जा रहा है, इसका पावर कम लॉस हो रहा है, मतलब उससे थोड़ा कम लॉस हो रहा है, इसका तो बहुत ही कम पावर लॉस हो रहा है। तो हमारा कौन बेटर है, बेटर कंपनी यहाँ पे कौन होगा, ए होगा, मतलब ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको कुछ इस तरीके से दें, इसको आपको नोट्स में नहीं लिखना है, इसको समझना है सिर्फ कि किस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ट्रांसफार्मर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसके पीछे का इस रीज़न को हम मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं वर्किंग फार्मूला पे कि आखिर ठीक है ट्रांसफार्मर यदि है तो इसका वर्किंग फार्मूला क्या होगा। तो बेसिकली अब इसमें देखते हैं वर्किंग फार्मूला, तो देखो उस ट्रांसफार्मर को हम कुछ इस तरीके से दिखा दिए, मतलब इस पूरे इतना बड़ा डायग्राम को ना दिखा करके कुछ इस टाइप से इस डायग्राम को हम शो कर रहे हैं आपके पास, एनसीईआरटी में भी कुछ इस टाइप का ही डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसी तरह का डायग्राम बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा डायग्राम हम यहाँ पे बनाएं, बस इस तरह से बना दो, इसका सारा जो प्लेट्स है वो नीचे की तरफ है, मान सकते हो यहाँ पे कि इसका यहाँ पे नट सिम कस दिए हैं और इसका सारा प्लेट नीचे की तरफ है जो हमको नहीं दिख रहा है, दैट्स ऑल। तो कुछ इस तरीके से ये बाइंडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि देखो एसी सोर्स से इसको हम दे दिए, ये डायग्राम थोड़ा नहीं देखना है तुमको, इस डायग्राम को देखो, तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि इनपुट में हम क्या दे दिए एसी सोर्स, यहाँ से करंट इसमें दे दिए, तो इसमें करंट देंगे तो 100% इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और यही मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक होगा, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और ये सारा फील्ड जो है सो इसमें लिंक हो जाएगा इसके साथ, तो इसमें हमारा क्या डेवलप हो जाएगा, ईएमएफ डेवलप होगा और ईएमएफ डेवलप होने के साथ इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ईएमएफ क्या है, मेरा मेन तो इसमें ईएमएफ का ही फंडा है, ईएमएफ ही तो वोल्टेज है, इलेक्ट्रोमोटिव क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वोल्टेज, तो हमको मेन तो वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करना है यहाँ पे, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो देखें तो ईएमएफ को ही देखने वाले हैं, साथ ही यदि आप करंट को भी लिंक करना चाहते हो तो करंट भी यहाँ से हम लोग पता चल जाएगा, यदि वोल्टेज पता है तो करंट भी 100% पता चल जाएगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो ये चीज़ है, तो अब यहाँ पे समझते हैं, देखो यदि फर्स्ट साइड की मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे कॉइल का टर्न पे ही सारा चीज़ डिपेंड करता है, तो इस साइड में जो टर्न लिया हूँ इसका मान लेते हैं कि प्राइमरी, ये क्या है प्राइमरी कॉइल और ये क्या है सेकेंडरी कॉइल, दिस साइड राइट साइड को सेकेंडरी कॉइल बोला जाता है और लेफ्ट साइड को जहाँ पे आप इनपुट देते हो उसको प्राइमरी कॉइल बोला जाता है, और जिस जिससे आप आउटपुट लेते हो दैट वन इज द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम एनपी मान लिया, नंबर ऑफ टर्न्स फॉर प्राइमरी कॉइल, एर एनएस नंबर ऑफ टर्न्स फॉर सेकेंडरी कॉइल, तो यहाँ पे इसलिए लिख दिया यहाँ पे एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, एनएस इज द नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पे ईपी, ईपी मीन्स क्या हुआ आपका ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव, ये हो गया आपका ईएमएफ फॉर प्राइमरी कॉइल, और इसका जो ईएमएफ यहाँ पे डेवलप होने वाला है दिस इज द ईएस लिख देते हैं फॉर सेकेंडरी कॉइल, तो यहाँ पे इसीलिए लिख दिए कि प्राइमरी वोल्टेज, इसको वोल्टेज राइट लिख रहे हैं, ईएमएफ को वोल्टेज के फॉर्म में भी बात किया जाता है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको इनपुट प्राइमरी ईएमएफ तुम बोलोगे तो इनपुट वोल्टेज हो गया हमारा, और सेकेंडरी ईएमएफ बोलोगे तो क्या होगा आउटपुट वोल्टेज, कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, क्योंकि ईएमएफ के बारे में फेराडेज ही तो हमको दिया है थ्योरी, तो फेराडेज का थ्योरी हम लोग जानते हैं क्या चीज़, ये चीज़ जानते, देखो प्राइमरी के लिए लिख रहे हैं माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स ही तो बोला है, चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विथ नेगेटिव साइन, ये नंबर ऑफ टर्न्स इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों के लिए तो सेम होगा क्योंकि दोनों के लिए टाइम पीरियड ये सेम है, ये दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है, तो जितना फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा उतना ही फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा, दोनों जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज सेम होने वाला है, हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट हो बट मैग्नेटिक फ्लक्स जो दोनों का दोनों जगह पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक ही मैग्नेटिक फ्लक्स तो है, जो जो यहाँ पे फील्ड डेवलप हो रहा है वही फील्ड तो इससे लिंक होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी सेम फॉर बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चेंज यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का हो रहा है वही फ्लक्स इससे लिंक होगा,
तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल पे जितना फ्लक्स है उतना ही सेकेंडरी कॉइल के पास है, बट सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंस है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है प्राइमरी के लिए एन पी है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है एन एस है। दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो देखो क्या रिजल्ट आता है। यदि सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं हम, तो एक तरीके से कंपेयर करना हो गया, तो राइट साइड का डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी दोनों तो सेम है, तो ये कट जाएगा, तो कटने और नेगेटिव नेगेटिव दोनों कट जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ई एस बाई ई पी, ई एस बाई ई पी हो गया इज इक्वल्स टू इधर क्या है एन एस बाई एन पी। तो कुछ इस तरीके से मिला। तो यहाँ से हम यदि सेकेंडरी कॉइल का ई एम एफ पता करें तो देखो कितना मिल रहा है हमको, ये देखो ई एस को सब्जेक्ट कर रहे हैं इसमें हम, तो ई एस को यदि मैं सब्जेक्ट कर रहा हूँ तो हमको क्या मिलेगा, ई एस इज इक्वल्स टू ए पी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उधर चला जाएगा, तो ये रिजल्ट मिला आपको, ई एस इज इक्वल्स टू दिस, ये चीज़ मिला। मतलब ई एस मतलब सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज मिला हमको इज इक्वल्स टू एन एस डिवाइड बाई एन पी इज इक्वल्स टू ई पी। मतलब ये क्या है ई पी, मतलब क्या है ये वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स, यदि यहाँ पे सारा कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, ये तो मेरा जनरल फार्मूला हो गया ना। अब इसको समझते हैं थोड़ा मैथमेटिकली। यदि मैं यहाँ बात करूँ इसी इक्वेशन से, कि यदि मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूँ कि एन एस सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी कॉइल, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉइल नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में टर्न यदि ज़्यादा है तो 100% यहाँ पे क्या होगा, देखो ऊपर में ज़्यादा है मतलब ऊपर ज़्यादा नीचे कम, तो 100% कुछ ना कुछ वैल्यू इसका आएगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और यदि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तो ई पी के साथ मल्टीप्लाई होने से प्राइमरी कॉइल से मतलब प्राइमरी वोल्टेज जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो 100% बढ़ने वाला है। तो उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो सेकेंडरी कॉइल का टर्न्स है 10, नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, और प्राइमरी कॉइल का, ये देखो सेकेंडरी दिस वन, इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 10 है, और ये प्राइमरी का जो जहाँ पे इनपुट दे रहे हैं हम उसमें कितना टर्न है 5 टर्न है, एक कॉइल जो वायर इसमें हम लोग लपेटते हैं तो इसका 5 है। तो यदि इस जगह पे हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 10 ऊपर रहेगा ये 5 नीचे, तो 10/5 क्या होगा 2 आएगा, 5 2 2 मतलब तो 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो वोल्टेज हमारा प्राइमरी कॉइल में उसका ट्वाइस हमको सेकेंडरी में मिल रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल में जस्ट हमको डबल वोल्टेज मिल रहा है। तो कॉइल को यदि मैं इस साइड का नंबर ऑफ टर्न्स 5, इधर 5 है इधर 10 है, तो हमारा वोल्टेज यदि यहाँ पे 5 वोल्ट है तो ये हमको 10 वोल्ट हमको देगा आउटपुट में, इनपुट में 5 वोल्ट है तो आउटपुट हमको कितना देगा 10 वोल्ट। ये नंबर ऑफ टर्न्स पे सारा मतलब यहाँ पे खेल है, पूरा जो गेम हो रहा है सारा नंबर ऑफ टर्न्स पे गेम होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स तुम राइट साइड में जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, सेकेंडरी में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट आई मीन प्राइमरी, उतना ज़्यादा तुम्हारा वोल्टेज इंक्रीज होकर तुमको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा इंड्यूस करंट वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज का इंक्रीमेंट हो रहा है, वोल्टेज का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दिस वन ट्रांसफार्मर इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इफ इन सेकेंड नंबर ऑफ टर्न्स इज मैक्सिमम इन द सेकेंडरी कॉइल देन वी कैन से दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके। और जस्ट इसका अपोजिट में बात करूँ, देखो इसको हम स्टेप अप है इसलिए इसको अप साइड हम दिखा दिए कुछ एरो से आपको, और यदि वही जस्ट अपोजिट मैं कर दूं कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल में यदि मैं बात करूं कि ये 5 ही टर्न है और एंड प्राइमरी में 10 है, मतलब इसमें ज़्यादा टर्न है और इसमें कम टर्न है, तो ऐसे कंडीशन में जस्ट मेरा देखो क्या हो जाता है, यदि हम ऊपर में कितना 5 और नीचे 10 तो 1/2 होगा, मतलब ये सीधा हाफ हो जाता है, मतलब जितना वोल्टेज मान लो यहाँ पे हमको 10 वोल्ट है प्राइमरी में 10 वोल्ट है तो हमको सेकेंडरी में क्या मिलेगा 5 ही वोल्ट मिलेगा, मतलब इसको रिड्यूस कर दे रहे हैं हम। मतलब क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में मेरा कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और इसका नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिए, यदि यहाँ पे 10 टर्न है तो यहाँ पे 5 टर्न है, तो हम इसको कम कर दिए टर्न्स के लिए, इसका क्या हो गया जितना ज़्यादा यहाँ पे 10 वोल्ट था तो ये 5 वोल्ट में हमको दे रहा है आउटपुट, हमको कितना मिल रहा है 5 वोल्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे घटा दे रहे हैं हम लोग। तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हो कि मैथमेटिकली जब इसको पुट किए हम उस इसी इक्वेशन में तो यहाँ पे 5 है इसमें 10 है तो 1/2 मिला ना, तो ये क्या हो गया प्राइमरी का हाफ, ये जो सेकेंडरी को वोल्टेज मिल रहा है वो हाफ मिल रहा है हमको, मतलब इसको बोलते हैं हम यहाँ पे वोल्टेज को क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, मतलब स्टेप डाउन, इसको इस तरह के ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सारा फंडा यहाँ पे किस पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टर्न पे। तो यहाँ पे जो एन एस अपॉन एन पी है, एन एस अपॉन एन पी ये रेशियो है, एक कौन सा रेशियो है, ये ट्रांसफार्मर रेशियो इसको बोला जाता है, हियर एन एस डिवाइड बाई एन पी इज द ट्रांसफार्मर रेशियो, और इसको आर से इंडिकेट हम लोग करते हैं,
दिस वन इज द आर, और ये आर जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, आर इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो है। तो यदि तुम इस तरीके से समझना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, आर इज ग्रेटर देन वन, आर का वैल्यू यहाँ पे, आर का वैल्यू यदि वन से ज़्यादा आता है तो वैसे कंडीशन में क्या बोलेंगे हम, स्टेप अप, और आर का वैल्यू यदि कम आता है, वन से कम आता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, क्योंकि देखो हम यदि स्टार्टिंग में क्या लिए थे, इसमें टेन लिए थे और इसमें क्या लिए थे फाइव, तो कितना टू आया ना, तो वन से तो ज़्यादा आया तो स्टेप अप था वो, और जब इसमें फाइव लिए इसमें टेन लिए तो वन बाई टू आया, वन से कम आया इसलिए वो क्या हुआ, स्टेप डाउन हो गया। तो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है इसको। अब क्या देखो, देखो हम जब कंपनी की बात कर रहे थे वहाँ पे, तो किसी का भी 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर नहीं था, मतलब 1000 वाट वहाँ से पावर मेरा ट्रांसमिट हो रहा था, बट 1000 वाट पावर हमको हमारे ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुँच पा रहा था, तो 100% एफिशिएंट नहीं था। तो 100% एफिशिएंट कब होगा, कोई भी ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट कब होगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखो हम कुछ फंडा यहाँ पे अप्लाई किए, फॉर 100% एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो 100% एफिशिएंसी आपको तब मिल सकता है जब इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों क्या हो, इक्वल हो। यही ना फंडा हो सकता है कि जितना हमको इनपुट वोल्टेज मिल रहा है वही यदि आउटपुट वोल्टेज मिले तो 100% हमको क्या मिलेगा, ये जो ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट होगा, कि जितना जितना पावर हम दे रहे हैं उसको, जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना वोल्टेज हमको वो पहुँचा दे रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो 100% वो एफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि, या तो यदि एफिशिएंसी की बात करें कि जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यदि हम ले लें, इक्वल वोल्टेज, तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं कि इनपुट पावर जितना मिल रहा है उतना ही यदि आउटपुट पावर मिल जाता है, दैट मीन इज द 100% एफिशिएंसी, एफिशिएंट 100% एफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पावर ऑफ इनपुट इज इक्वल टू पावर ऑफ आउटपुट, और पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी आई फॉर प्राइमरी कॉइल और वी आई फॉर सेकेंडरी कॉइल, दिस वन पी इज इक्वल टू वी आई होता है, पी इज इक्वल टू वी आई फॉर सेकेंडरी, फिर दिस वन फॉर प्राइमरी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसका फॉर्मूला फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो वोल्टेज की जगह पे हमको यहाँ पे भी नहीं लेना है, क्या लेना है, ईएमएफ के फॉर्म में वो इंड्यूस होता है ना, तो यहाँ पे हमको ईएमएफ की सारा ईएमएफ का फंड है, तो यहाँ पे ईएमएफ, तो ईएमएफ प्राइमरी इंटू करेंट प्राइमरी, ये हो गया। यहाँ पे ईएमएफ सेकेंडरी, मतलब वोल्टेज की जगह सिर्फ ईएमएफ लगा दें, तो ईएमएफ सेकेंडरी और ये क्या है, करेंट सेकेंडरी, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तुम क्या करो, इसको सब्जेक्ट करो, ई एस को ऊपर रखो, तो यहाँ पे देखो इसको रख दिए ऊपर, तो ए पी जो है ये वाला ई पी वो नीचे आएगा, तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ई एस डिवाइड बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई पी बाई आई एस, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमको ई एम एफ का रिलेशन मिल रहा है किसके साथ, ये हमको ई एम एफ मिल रहा है करंट के साथ रिलेशन, और इसके पहले जो रिलेशन हम लोग देखे थे वो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मिल रहा था, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के साथ रिलेशन है यहाँ पे, ये वोल्टेज मतलब ईएमएफ का रिलेशन जो है नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे जो रिलेशन आपको दिख रहा है ईएमएफ ईएस बाय ईपी, यहाँ भी ये देखो ईएस बाय ईपी इज इक्वल्स टू एनएस बाय एनपी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है ईएस बाय ईपी सेम, लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, इज इक्वल्स टू आईपी बाय आईएस, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो एक कुछ इस तरीके से, तो ये यदि दोनों दोनों इक्वेशन को एक साथ यदि हम लिखना चाहें, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना चाहें, तो देखो कुछ इस तरीके से लिखाएगा, फ्रॉम एबव इक्वेशंस वी कैन टेक वी कैन राइट ईएस बाई ई पी, लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। मतलब क्या है यहाँ पे कंडीशन देखो, हम यहाँ पे दो इक्वेशन बना सकते हैं, दोनों तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू ये वाला एक ठो इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। मतलब ये न्यूमेरिकल के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड आपको कंपेरिजन मेथड पर न्यूमेरिकल इसका आता है, और न्यूमेरिकल इसका बहुत ईजी रहता है, आप इस फार्मूला पे फॉर मतलब वैल्यू क्या बोल सकते हैं इसको, एक तरीके से पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला इसमें न्यूमेरिकल आता है। तो आपको यदि फॉर्मूला इस तरीके का ये पता है कंपैरिजन बेसिस पे, मतलब किस तरीके से ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला यदि आप डायरेक्ट माइंड में रखते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, और इसका थ्योरी बहुत ईजी है, आप चाहो तो इसको एक दो बार देखो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद कर लोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, सो एंड दिस वन लेक्चर इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस वन सेवन चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, ये जो लेक्चर हमारा है ये लास्ट लेक्चर है इस सेवन चैप्टर का, इसके बाद हम लोग रीड करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो चैप्टर नंबर 8 है वो एक दो लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है। उसके बाद हम लोग सेकेंड वॉल्यूम रीड करेंगे, वो है ऑप्टिक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।